ऐसा मामला सामने आया है जिसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे। समता नगर पुलिस के अधिकारियों ने करीब 7 महीने बाद नागपुर के एक कथित करोड़पति को उज्जैन से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी के कारनामे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपी का नाम अभिषेक मोक्ता है। बता दें कि आरोपी का ये नाम बदला हुआ है। उसकी उम्र पुलिस को दिए बयान में पीड़िता ने पति अभिषेक के खिलाफ IPC की 8 धाराओं के तहत मामला दर्ज कराया है। इनमें धोखे से शादी करना, मारपीट करना, अप्राकृतिक यौन उत्पीड़न करना और महिला गरिमा को ठेस पहुंचाने के अलावा सोशल मीडिया पर बदनामी करना शामिल है। 40 वर्षीय पीड़िता ने पुलिस को बताया है कि वो अभिषेक की 5वीं पत्नी है। इससे पहले वो 4 और लड़कियों से शादी कर चुका है, जिनमें पहली पत्नी तलाकशुदा, दूसरी और तीसरी पत्नी लापता और चौथी पत्नी केरल में वकालत करती है। 5वीं वो खुद है, जिसके साथ उसने 5 मई 2020 को समाज की उपस्थिति में शादी की थी। पीड़िता ने आरोप लगाया कि अभिषेक ने पूर्व की 4ों पत्नियों की जानकारी उससे छुपाई थी और धोखे से शादी कर मुंबई से उसको नागपुर ले गया। वहां वो एक बंगलों में अपनी पत्नी के साथ रहता और खुद को करोड़ों की जायदाद वाला बताता है, जो झूठी बात है। हालांकि एक बैंक ने उस पर फर्जीवाड़ा करने का आरोप भी लगाया है। शादी के आड़ में अभिषेक उसके साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने की कोशिश किया करता था, जिसका विरोध करने पर पहले उसने मारपीट की और फिर 1 महीने के अंदर ही उसके पास मौजूद 25,000 रुपए और 8 लाख रुपए के गहने लेकर उसे घर से निकाल दिया। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि अभिषेक के मोबाइल में और लड़कियों के साथ उसकी तस्वीरें भी हैं। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि अभिषेक ने उसकी निजी तस्वीरों को YouTube पर अपलोड कर बदनामी करने की धमकी दी है। कुछ वीडियो उसने अपलोड भी कर दिए हैं। समता नगर पुलिस का कहना है कि उन्होंने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना की जांच जारी है। फिलहाल साइबर सेल उसके इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच कर रही है। उसने इससे पूर्व किन किन लड़कियों के साथ शादी की आड़ में धोखाधड़ी की है, इसकी भी जांच की जा रही है। गौरतलब है कि इससे पहले पिंपरी चिंचवड पुलिस ने भी ऐसे ही एक शादी गिरोह का खुलासा किया था, जिसमें शामिल लड़कियां 8 से 9 लड़कों के साथ शादी कर उन्हें लूट कर फरार हो जाया करती थी।